लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं आए दिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से जुड़ी खबरें सुनने को मिलना फिलहाल आम बात है। वहीं इस बार सबसे ज्यादा मुश्किलें जो बढ़ती नजर आ रही हैं वो हैं भाजपा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। बता दें, फरीदाबाद के सांसद कृष्ण पाल गुर्जर का नाम आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बार मंत्री कृष्ण पाल के नाम की चर्चा उनके पक्ष में नहीं बल्कि उनके विपक्ष में है और इस सबसे भाजपा मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कृष्ण पाल गुर्जर के खिलाफ सरपंचों द्वारा लिखा एक लेटर वायरल हो रहा है। ये लेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लिखा गया है। वायरल हो रहे इस लेटर में लिखा है कि वो मोदी जी के साथ है, लेकिन मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के साथ नहीं। इस लेटर के माध्यम से मांग की गई है कि फरीदाबाद से साफ छवि वाले किसी भी उम्मीदवार को बीजेपी से टिकट देकर उतारा जाए ताकि वो उसका खुलकर समर्थन कर सके। हैरानी की बात तो ये है कि जब इस वायरल हो रहे लेटर के बारे में उन सरपंचों से बात की गई तो उन्होंने इस तरह का कोई भी लेटर लिखे जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। लेटर अपने जो ऑफिशियल काम के लिए मांगा था, तो मेरे को इंक्वायरी वगैरह है और मेरे को लेटर वो पीछे से ही दिया था बच्चों ने। अच्छा। मैं तो था भी नहीं। किसको दिया था? एक बंदा था, बस दे दिया उसको। उस पर आपके बाकायदा साइन है? उसका कोई भी मिसयूज कर बोले सेक्रेटरी साहब या कोई भी ऑफिशियल कोई ग्रांट ग्रांट के चक्कर में हम लेके जा रहे हैं, मैं इनकी फिर भी बोला कोई मिसयूज नहीं करना है इनको। ये बहुत जो है बहुत संवेदन बात होती है जो इस पर नहीं करनी है और पता कहीं पी सब पता लगे कि भाई ऐसा से ये लेटर आपका ही है? अभी दो तीन दिन हुए हैं। ये लेटर आपका ही है ना? हाँ, लेटर पंचायत का ही है। पंचायत ओरिजिनल है? साइन है, साइन आपके है। ओरिजिनल है ना? हाँ, ओरिजिनल है। अच्छा, दूसरा एक बात बताइए, इतनी जो है कीमती चीज़ पंचायत की, आपने इस तरीके से ब्लैंक क्यों दे दी? विश्वास में नहीं, विश्वास में भी नहीं दे सकता आदमी ऐसी चीज़। तो भाई साहब, वो तो सरकारी बताइए, वो बच्चों से लेके गए आप बाद में टाइम कहाँ से हो गए फिर अगर विरोध करेंगे तो हाँ। कितनी सच्चाई मानते हैं आप उसमें? हम उसका हम तो मंत्री जी के सिवा हम तो दूसरे कहीं गए भी नहीं, किसी भी ऑफिस में नहीं गया, कहीं भी मंत्री जी के पास नहीं गया। नहीं, किसको दिया आपने वो लेटर? उस आदमी का कोई तो नाम होगा, उसके बारे में पता कर रहे हैं हम, कौन वहाँ से लेके गए। हाँ जी, एक लेटर क्या नाम है, हमने किसी को दिया था, वो अपने फेवर के लिए उन्होंने लिया था, लेकिन उसका एक किसी अपने ही कोई था उसको कि भाई हमारी कोई परेशानी चल रही है उसके लिए दिया था, लेकिन पता नहीं था कि इस तरह से उसका यूज हो जाएगा। किस परेशानी के लिए दिया था, खुल के बताइए आप। कि उसकी कोई अपनी कोई इंक्वायरी चल रही है मुझे, या फंड के लिए कहीं से कुछ देना है और हमें सेक्रेटरी से और जो क्या नाम है अपने उससे लिखवा लूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है जी, चलो जी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इस तरह से ये पूरे सबका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मंत्री जी के साथ हैं, आज भी हैं, पहले भी हैं, पार्टी के साथ हैं, मंत्री जी के लिए, मंत्री जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम सदा ही मंत्री जी के रहेंगे और जितने पहले कभी मतलब मंत्री जी के साथ पहले वोटों से नहीं, उससे ज़्यादा वोटों से मंत्री जी को जिताएंगे। बताइए, इतनी 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 संवैधानिक पद है आपका सरपंच का, और इस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? नहीं, लापरवाही नहीं, एक क्या कहते हैं, भाईचारे में कई बार आदमी होता है, भाईचारे में आदमी विश्वास का साथ नहीं, कानून में नहीं, उन्होंने मतलब हमने दिया था लेकिन हमें पता नहीं था कि इस तरह से पूरी पंचायत का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, पूरी क्या नाम आपका है? हाँ, पंचायत का था, लेकिन हाँ साइन वो तीन चार दिन पहले दिए थे, लेकिन इसे ये पता नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। ब्लैंक लेटर हेड उन्होंने कि भाई मुझे फंड के लिए मुझे लिखवा लूंगा, सेक्रेटरी से लिखवा लूंगा, सरपंच सेक्रेटरी लिख के देता है, वो सेक्रेटरी से लिखवा लेंगे। सरपंचों ने लेटर हेड ऐसा है, वो कई बार सरपंच की भाई मैं लिखवा लूंगा, आपसदारी में इतना थोड़ा बहुत चल जाता है कि भाई लिखवा लेंगे, चलो वहाँ से कर लेंगे। हाँ, ठीक है जी, बाकी क्या पार्टी के साथ है, मंत्री जी के साथ हैं, पहले भी मंत्री जी के साथ हैं। दूसरे गांव को फंड मिलेगा? नहीं, वो अपनी उनकी कोई पता नहीं इंक्वायरी है क्या, किसी चीज़ के लिए लिए थे, पर्सनल यूज के लिए नहीं पता था, वो भाईचारे में कि हाँ भाई ले लिया। कई बार ये होता है हमारे, आप हम गाड़ी में जा रहे हो ले, अब कई बार गाड़ी में से भी ऐसा होता, कई बार गाड़ी में रखे हो, गाड़ी में से भी उठा लिया था ऐसा नहीं, वो पद की गरिमा इसका वो हुआ है, लेकिन हमारे साथ ही कोई गलत किया किसी अपने, नहीं तो उसका देखें, उसका पता लगाते हैं। नहीं, पहले उसका पता लगाएंगे, देखते हैं क्या, नहीं उसका नाम अभी देखते हैं, हम भी पता चला रहे हैं कि किसने उसका उपयोग किया, अभी पता चलेगा। सरपंच प्रतिनिधि ने इस बात को तो स्वीकार किया कि ये ऑफिशियल लेटर है
और इस पर लगी मोहर और साइन भी उनके हैं, लेकिन ये लेटर उन्होंने नहीं लिखा बल्कि उन्होंने किसी द्वारा ये ऑफिशियल लेटर धोखे से ले जाकर इसका गलत इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। आखिर ये लेटर किसने लिखा ये तो कहना जरा मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे मंशा साफ झलक रही है। बता दें मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के विरोध में केवल ये एक लेटर ही नहीं बल्कि शहर में लगा एक पोस्टर जिस पर साफ साफ लिखा है मोदी से बैर नहीं कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, जो कि साफ साफ दर्शाता है कि मंत्री जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मंत्री जी एक लेटर वायरल हो रहा है, देखिए इसके बारे में तो सरपंच ही बता सकते हैं उन्होंने कैसे लेटर दिया, खाली दिया, भरा हुआ दिया, ये तो वैसे भी सरपंच ही बता सकते हैं, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। कह रहे हैं कि उन्होंने खाली लेटर दिया था साइन करके, उसके बाद वो आपके नाम से वायरल किया गया, साफ तौर पर उसमें लिखा गया कि हम शिशुपाल जी का साथ नहीं देंगे इस चुनाव में अगर उनको खड़ा किया जाता है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। देखिए मैं इन साजिशों से डरता नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी का मुझ पर विश्वास है, मेरा पार्टी पर विश्वास है, इसलिए कौन साजिश रचता है कौन नहीं रचता है इन साजिशों से कुछ नहीं होता, फैसला जनता करेगी और वो दिन दूर नहीं है, 23 मई बहुत नज़दीक है, 12 मई को वोट डलेंगे, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। देखिए ये पार्टी नेतृत्व का काम है, सीसी का काम है। मंत्री जी पहले जो लेटर जारी किए हुए हैं सरपंचों के मुताबिक मेरे को इस बात की क्या जानकारी है, तो जिन्होंने लिखवाया है जिन्होंने लिखा है ये तो जानकारी वही दे सकते हैं। देखिए ऐसा है वो इनको मालूम है और वो जांच का विषय है और मैं तो कह रहा हूँ जांच उसकी हो जाएगी और पता चल जाएगा कौन है साजिश के पीछे। पोस्टर और लेटर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि माहौल इस समय चुनावों का है और चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल और मंत्रियों का विरोध होना आम बात है। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।